मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने नामांकन कर दिया। डिंपल यादव के नामांकन के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और महासचिव रामगोपाल यादव के अलावा परिवार के कई और सदस्य भी मैनपुरी में मौजूद थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव। डिंपल यादव के साथ अखिलेश के भतीजे और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव भी थे, जबकि रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव पीछे पीछे कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और नामांकन के बाद मैनपुरी की जनता को धन्यवाद दिया। परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। डिंपल यादव के नामांकन पत्र के मुताबिक डिंपल के पास 8 बैंक खातों में जमा रकम और 4 फिक्स्ड डिपॉजिट को मिलाकर 4,62,71,804 रुपए की चल और अचल संपत्ति है। लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भरने से पहले डिंपल यादव ने इटावा में परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लिया। मैनपुरी रवाना होने से पहले डिंपल यादव पति अखिलेश यादव के साथ अपने ससुर और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के समाधि पर पहुंची और नेताजी को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने इस मौके पर एक ट्वीट किया और लिखा कि मैनपुरी उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी के रूप में दरअसल नेताजी की समाजवादी आस्थाओं का ही नामांकन हो रहा है। जिस प्रकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के लोगों और जनमानस ने सैफई आकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, उसका सच्चा परिणाम यह होगा कि सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। मैनपुरी वैसे तो मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा यादव वोटों के अलावा दूसरे नंबर पर शाक के वोटर हैं, जिन्हें साधने के लिए नामांकन से पहले डिंपल यादव और अखिलेश यादव आलोक शाक्य के घर पहुंचे, जिन्हें हाल में मैनपुरी का पार्टी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैनपुरी उपचुनाव में समर में डिंपल यादव को उतारने के बाद सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने डिंपल की बड़ी जीत का दावा किया। मैनपुरी से डिंपल यादव की उम्मीदवारी को लेकर बड़ा दावा करते हुए रामगोपाल ने कहा कि पूरा परिवार एक है और डिंपल के नाम पर शिवपाल यादव की रजामंदी भी शामिल है। और मुझे उम्मीद है कि जनता का पहले से भी ज्यादा समर्थन डिंपल को मिलेगा, क्योंकि नेताजी की सीट है और नेताजी की बहू उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में अति आत्मविश्वास के चलते हार गई, लेकिन मैनपुरी में ऐसा नहीं होगा। पूरा समर्थन सतपाल को बीच के उम्मीदवार बनाए गए, सतपाल से कल नॉमिनेशन के लिए भी कहा गया। हालांकि परिवार के एक होने का दावा कर रहे रामगोपाल यादव अब भी 2019 में फिरोजाबाद से बेटे की हार को भुला नहीं पाए हैं और इसके लिए बिना नाम लिए शिवपाल यादव को जिम्मेदार ठहरा दिया। यहाँ जो लोग चुनाव देखा करते थे वो संयोग कैसा कुछ था कि वो लोग फिरोजाबाद में अच्छे के हराने के लिए लगे हुए थे। रामगोपाल यादव ने भले ही डिंपल की उम्मीदवारी में शिवपाल की मंजूरी का दावा किया है, लेकिन इस दावे पर अब तक शिवपाल यादव का बयान सामने नहीं आया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।